डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक अपने ऑड सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है ना, तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा लॉस देखने के लिए मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिक्ट वर्ड जो मैं आप सभी लोगों से बोल रहा हूँ, ये 100% सच्चाई है। अगर आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करी तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप सभी लोग केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, वो है अपने इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतज़ार। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरी बात को अभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अपने और सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो बेस्ट है, अगर नहीं करे हो ना तो आज से ही अपनी प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों से जानना भी चाहूँगा कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं और कितने लोग अभी नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो आज से ही कर देंगे, ऐसा भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। इवेंट सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार करना बंद कर दीजिए, जब उसको आना होगा तब वो आएगा, जैसा आना होगा वैसा आएगा, आपके सोचने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब मैं थोड़ा आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लास के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉर्निंग में, लेकिन आप सभी लोगों का इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है ये मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर करके ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है, क्या आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है। इसके पहले अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास में शाम को 9 PM पर आपको प्रोवाइड करा रहा था, उस टाइम पर आप सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर रात हो जाती है, टाइमिंग ठीक नहीं है, इस टाइमिंग को चेंज करा जाए। मैंने टाइम को चेंज करके 7 AM पर ला कर दिया, मॉर्निंग में कर दिया, और वहाँ पर भी आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप सभी लोगों ने कहा कि सर ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ, सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करिए, मैं सेकेंड यूनिट से पढ़ाना शुरू किया। सेकेंड यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है, जो आपके सिलेबस का 5th चैप्टर है, जिसका नाम आंशिक अवकलन है अर्थात पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, उसका लेक्चर आज मॉर्निंग में हुआ। लेकिन जब मैं उस लेक्चर का रिस्पांस देख रहा हूं, आप सभी लोगों की अटेंडेंस वहां पर चेक कर पा रहा हूं, तो अभी तक ओनली एंड ओनली 500 स्टूडेंट्स ने ही उस लेक्चर को वॉच किया है। और जब वो लेक्चर लाइव प्रीमियर हो रहा था तो उसमें मैक्स टू मैक्स 40 स्टूडेंट्स की संख्या जा रही थी। ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही बड़ी समस्या की बात है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग लापरवाही कर रहे हैं, आप केवल और केवल अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा डियर स्टूडेंट्स ना करें। बाकी अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास आपको मैं रेगुलर प्रोवाइड करा रहा हूँ, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन चल रहा है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है या किसी प्रकार की और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताएं आप सभी लोग। और बाकी अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास उसी टाइम पर मैं रेगुलर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और कराता रहूंगा, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन आप चाहते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, लेकिन ऐसा ना करिए, क्लास को रेगुलर जरूर से जरूर करिए। यह मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, जिससे आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो सके। आपने देखा है कि अप्लाइड मैथ थर्ड का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा भी है और इसके चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो बिना पढ़ाए आपको समझ में नहीं आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपने थर्ड सेमेस्टर की या 5th सेमेस्टर की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं करी है, मींस ऑड सेमेस्टर की, तो आप प्रिपरेशन पहले तो स्टार्ट कर दीजिए। और अप्लाइड मैथ थर्ड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आप सभी लोगों को आ रही है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, क्या कल मॉर्निंग में क्लास हो या ना हो, क्या चाहते हैं आप लोग, ये मुझे प्रोवाइड कराइए अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, क्योंकि मतलब मजा नहीं आ रहा है भाई, जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, आखिर समस्या कहां पर आ रही है, मैं जान जाऊं उसके हिसाब से मैं क्लास को कंटिन्यू करूं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना, जितनी बातें मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछी हैं उनको मुझे जरूर जरूर बताइए, बाकी आगे की क्लास जैसी होगी मैं कंटिन्यू करता हूं।